अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एर्नव, ए बिटवा, तुमने होने वाली दुल्हन जो हमारे लिए केक बना के लाई है, चख तो लो। तो मुझे वहां धूप में खड़ा करके वो केक बना के सबको यहाँ इंप्रेस कर रही है, मुझे नहीं खाना। वैश्वा, कहाँ है तपाव आई है इतना? काम को लेकर ना थोड़े से चिंतित है भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। हाँ देखो, सुनो जी, हमका तो लगता है अर्नव का दिमाग जो है वो ठिकाने नहीं। का मतलब? इससे पहले कि उनका मन बदल जाए, पंडित जी से बात करके तिथि निकलवा दीजिए शादी की और बिठा दीजिए ककड़े पे। 10 दिन बाद की तिथि निकाली उनके पंडित ने शादी के लिए, और पुरुषोत्तम जी का कहना है कि शादी होगी तो उसी तिथि को होगी, वरना अगले 2 साल के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। बताओ क्या? अरे आपने उनको बताया क्यों नहीं? 10 दिन में तो हलवाई भी नहीं मिलते, उनको भी 1 महीना पहले बुलाना पड़ता है। हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे। अकबर, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी? तुम चिंता क्यों कर रही हो कंचन? हाँ, अब परीक्षा में पढ़ी गई तो पास भी हो जाएंगे, सारा काम मिलजुल कर लेंगे। कल सबसे पहले ना सुबह पल्लवी के हाथों गणेश स्थापना करवाते हैं, गणेश जी चाहेंगे ना तो सब सही होगा। ये सही है। हाँ। हे भोले बाबा, 10 दिन में हमारी शादी और हमने शादी से पहले ही अर्नब जी को नाराज कर दिया। फोन करके सॉरी भी नहीं बोला उन्हें। पल्लवी बोल रहे हैं। ए, पल्लवी जी, आप ठीक तो है ना? हाँ भाई, नहीं हमें ऐसा लगा कि कहीं कोई परेशानी। हेलो हेलो पल्लवी जी। जी आप ठीक तो है ना? था को शिवा सर, अक्सर लोग सवाल से शुरू करते हैं, क्यों नहीं आई, क्यों इंतजार करवाया। लोग गुस्सा करते हैं, अपनी नाराजगी निकालते हैं। आप पहले ऐसे इंसान हैं जिसने ऐसा नहीं किया। आपने हमारे समझाने के पहले ही समझ लिया कि अगर हम नहीं आए तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, जरूर कुछ हुआ होगा, पर हम कभी ऐसा नहीं करते। आप ये बताइए पल्लवी जी, हुआ क्या था? तुझे आखिरी बार ये बात कह रही हूँ, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तू इस दरवाजे से अकेले बाहर नहीं निकलेगी। वो मम्मी जी ने पकड़ लिया था और फिर बम भोले। आपके घर में सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, लेकिन हम अर्नव जी से बात करना चाहते हैं और उनसे माफी मांगना चाहते हैं। हम जानते हैं वो नाराज होंगे, प्लीज हम बस उनसे एक बार मिलना चाहते हैं, प्लीज कैसे भी कुछ भी करके प्लीज। ठीक है, हम कल सुबह मिल सकते हैं। नहीं, कल सुबह नहीं, कल सुबह में मंदिर जाना है वो गणपति पूजा के लिए, कल से शादी की तैयारियां शुरू होने वाली है ना, इसीलिए। ठीक है, तो फिर हम कल सुबह ही मिलते हैं पल्लवी जी। हेलो शिवास, कल सुबह कैसे मिलेंगे? नॉट एट ऑल शिवा, मुझे उससे मिलने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आज जो उसने किया ना उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। हम लड़के हैं भाई साहब, हमारे लिए कहीं भी किसी भी वक्त चले जाना बहुत आसान होता है, लेकिन लड़कियों के लिए आसान नहीं होता है। एक लड़की अगर अपने घर के बाहर एक कदम भी रखती है ना तो सबकी आंखें उस पर होती है। पल्लवी जी आपकी होने वाली पत्नी है, अब आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा बताइए। आप बैठिए, मैं लेकर आऊं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको इन्हें और इन जैसी आपकी बाकी की दोस्तों को ये खुशखबरी दे देनी चाहिए कि
कि आपकी शादी तय हो गई है? अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है? नहीं भाई साहब, मैं तो तू ना अपने काम से काम रख, मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, समझा? मेरा फोन कट कर दिया, मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकता है वो? अच्छा, कल आप पल्लवी जी से तो मिलने जाएंगे ना? मैं मंदिर पहुंच गया हूँ शिवा, वो अभी भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। यार मैं उस तो सही कह रहा था यार, ये बुरी नहीं है। इनफैक्ट शी इज टू गुड। दस दिन बाद हम एक नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं। भोलेनाथ आशीर्वाद दीजिए कि इस रिश्ते के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। लेकिन ये सब इस तरह बीच मैदान में करने की क्या जरूरत है? किसी कॉर्नर पे भी तो जाके कर सकती है। गीले कपड़ों में चार लोग देखेंगे क्या बोलें? जाके पूरे मंदिर की परिक्रमा करना और धीरे धीरे अक्षत थोड़ा थोड़ा अक्षत गिराती जाना है। चल संभाल के, चुप मत करना, हम आते तैयारी करके। विमला, क्या है? तुम कह रही थी ना कि अगर एक काम से हटाना हो तो तुमका 10 दिन पहले का नोटिस देना होगा, वरना तो पूरे महीने की तनख्वाह ले लोगी। हाँ तो लो लो ना। कुछ दोगे तो लेंगे ना। अरे दिया है, दिखाई नहीं दे रहा है। 10 दिन का नोटिस, अब 10 दिन के बाद ना दूसरा काम ढूंढ लेना तुम। कहे कि हमारी नई बहुरानी आने वाली है ना, अब तो वही सब कुछ संभालेगी। वही सब संभालेगी मतलब? बहुरानी ला रहे कि नौकरानी? तुमसे मत बल, अपने काम से काम रखो। बाबा की जय। आप? मुझे ही तो मिलने के लिए बुलाया था, हैरान क्यों हो रही है? चलती रहो। कोई अगर आ गया, किसी ने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ कह रहा हूँ, मैं बोल दूंगा कि तुमने मुझे बुलाया था। बताओ क्या बात करनी थी? वो हमने आपसे सॉरी कहने के लिए बुलाया था। कल हमने आपको बुलाया और आए नहीं इसीलिए। हाँ सॉरी तो बनती है ना, तुम्हारी और ना ही तुमने मैसेज भेजा। वो हमारे पास फोन नहीं है ना इसीलिए। व्हाट, आज के जमाने में तुम्हारे पास फोन भी नहीं है? एनीवेज ओके, मैं दिला दूंगा। विद्या दीदी ने सही कहा था शायद, शादी के बाद सब अच्छा ही अच्छा होता है। धन्यवाद भोलेनाथ, हमें इतना अच्छा घर, इतनी अच्छी सासू माँ और इतने अच्छे ये देने के लिए। तरस आ रहा है हमें तुम्हारी बहू रानी पर है? हम तो नौकरानी है, दूसरी जगह काम ढूंढ लेंगे, लेकिन वो जो बेचारी आएगी वो तो कहीं जा ही नहीं पाएगी, काम की बोझ सली दब के मर जाएगी। ज्यादा ही फड़फड़ा ही नहीं रही हो तुम।
सच है, पूरा घर बेढंगा है। बचा खाना प्लेट में छोड़ देते हैं, कचरे के डब्बे में डालने में सबकी कमर जो दुखती है। खुद को धोना नहीं होता तो एक दिन में चार चार बदलते हैं। कचरा ऐसे फैलाते हैं कि झाड़ू का बच्चा ले तो जान ही दे दे। पता नहीं कौन बदनसीब होगी वो जो इस घर में बहू बन के आ रही है। अपनी औकात में रहो वरना 10 दिन का इंतजार नहीं करेंगे। अभी के अभी बाहर का रास्ता दिखाएंगे तुमका। अरे शिवा बेटा तुम यहाँ पर इतनी सुबह सुबह मंदिर में क्या कर रहे हो? मंदिर में भगवान की पूजा करने आया था ना आंटी जी। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। ए, पर तुमने थाली कहाँ है? थाली? हाँ वो थाली तो भगवान को चढ़ा आया ना। है? थाली चढ़ा दी? हाँ। अरे बेटा थाली का सामान चढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा हम चलते हैं। आंटी जी आपके अरे वाह लगता है भोले बाबा ने किसी और की भी मन्नत पूरी कर दी। किसी और की भी मतलब? वो हमने मन्नत मांगी थी कि क्या कि हमें आप जैसा लाइफ पंटर मिले। पंटर लाइफ पार्टनर? जी जी वही। सॉरी तो जब मन्नत पूरी हो जाती है ना तो यहाँ पर एक सिक्का चिपकाना होता है। हम लाए थे लेकिन मम्मी के पास रह गया। अब वहाँ लेने जाएंगे तो कोई बात नहीं मुझसे ले लो। ओए मेरा पर्स उसमें आईडी है मेरी। अब ठीक तो है? हाँ लेकिन मेरा पर्स। भोले बाबा के नाम का नारियल था ना तो तुम बच गए। अगर भोले बाबा खुद होते ना तो तुम्हारा बम बोल हो चुका होता। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, दो हाथ दिए, दो पैर दिया है, किस लिए? चोरी करने के लिए? सॉरी दीदी लेकिन आप ये कैसे? ये कैसे क्या? ये हमारे होने वाले पति का पर्स। अगर तुम इसे लेकर पाताल लोक में भी चले जाते ना तो भोले बाबा की कसम हम वहां पर भी आकर वापस लेकर जाओ। अब खड़े क्या हो? निकलो यहाँ से, लोगों ने देख लिया ना तो मार मार के तुम्हें मार ही डालेंगे। थैंक यू दीदी। हे भोले बाबा ये क्या किया हमने? ये सब देखकर तो अर्नब जी को यही लगेगा ना कि हम कितनी लड़ाकू लड़की हैं, मार धाड़ वाली भुलन देवी टाइप्स। अब क्या करें? सासू माँ ने मेरी कदर न जानी सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।